हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में AHDP डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। इसमें जो है जिनको कॉलेज मिल चुका है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, और जिनको अभी तक कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है और वो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। इस वीडियो में आपको सेकेंड लिस्ट डेट भी बताऊंगा, री काउंसलिंग क्या होती है एंड कैसे करवानी है, कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप कैसे कॉलेज चेंज कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले स्टूडेंट मैं बता दूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, 14 फरवरी व 15 फरवरी को देखिए आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है जिनको कॉलेज अलाउड हो चुका है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। आपने जो अलाउटमेंट लेटर है उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जानी है, प्लस आपको फीस भी जमा करवानी होगी। लेकिन कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें तो वो संस्थान जो है पसंद नहीं है, हमारी चॉइस कॉलेज वो नहीं है, तो सर हम उसे चेंज कैसे करें। तो स्टूडेंट मेरी बात जो है ध्यान से सुनना, उस प्रकार से जो है आप कॉलेज को चेंज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं रीकाउंसलिंग। अब ये रीकाउंसलिंग का फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, ई मित्रा से या फिर जो है कॉलेज से। तो स्टूडेंट रीकाउंसलिंग का फॉर्म जो है आपको कॉलेज से ही जो है भरना होगा, ठीक है ना, एंड कॉलेज से भरना होगा। लेकिन स्टूडेंट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो स्टूडेंट आपको जो कॉलेज अभी अलाउड हुआ है उसी में वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो राउंड आता है, जैसे कि सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें जो है रीकाउंसलिंग वालों को भी जो है कॉलेज अलाउड हो जाएगी, और जिनके कम परसेंटेज होने के कारण जो है फर्स्ट लिस्ट में रिजल्ट जो है उनका नंबर नहीं आया, उनको फिर जो है सेकंड लिस्ट में जो है उनका भी नंबर आ जाएगा। क्या सेकंड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है क्या, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट है। जी हाँ स्टूडेंट, सेकंड लिस्ट में भी अगर आपकी चॉइस में अगर गवर्नमेंट कॉलेज थी और अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला है और अगर गवर्नमेंट सीट की जो है गवर्नमेंट सीट वैकेंट रहती है, तो आपको जो है अपने मार्क्स के अनुसार जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है स्टूडेंट। वो डिपेंड रहता है कि फर्स्ट लिस्ट में जो है सीट वैकेंट है या फिर नहीं है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे तो जो है 90% थे फिर भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, लेकिन जो है 89 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो स्टूडेंट वो कम्प्लीट आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, 90 वाले ने किस प्रकार से चॉइस रखी है एंड 89 वाले ने जो है किस प्रकार से चॉइस के स्टूडेंट, एक पॉइंट कुछ परसेंटेज का भी अगर आप में जो है फ़र्क है तो वो कॉलेज आपको दूर मिल सकती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलाउड हो चुका है, एंड जो सेकंड लिस्ट की डेट वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, 14 से 15 फरवरी यानी 2 दिन ये फर्स्ट लिस्ट के काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में 20 फरवरी से पहले पहले आपकी जो है सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार वही स्टूडेंट करे जिनके जो है परसेंटेज सेकेंड लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप सभी को स्टूडेंट पता होगा कई ऐसे स्टूडेंट 90% है फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला, 89 है फिर भी नहीं मिला, 80% है फिर भी नहीं मिला। स्टूडेंट इस बार जो है मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है, क्योंकि स्टूडेंट इस बार फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुए थे, जिसके कारण जो है इसके जो है मेरिट का जो है अधिक जाना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस बार जो है LSA की वैकेंसी के कारण एंड जो है काफ़ी स्टूडेंट को पता चला, जिसके कारण जो इसकी मेरिट आई गई है। लेकिन स्टूडेंट आपके अगर जो है 80 से प्लस है तो आपको जो है कंफर्म है कि प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है अलाउड हो ही जाएगा। जी स्टूडेंट, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो अलाउड हो ही जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID ashokprajapat952, वहाँ से भी आप जो है कमेंट कर सकते हो, तो मैं वहाँ से रिप्लाई दे दूँगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।